हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे ही कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसकी सबसे पहली मन में जानने की उत्सुकता यही होती है कि वो बेटे को जन्म देने वाली है या फिर बेटी को। जिनके पास बेटा होता है उन्हें लगता है कि काश एक बेटी हो जाए, और जिनके पास बेटी होती है उन्हें लगता है कि काश एक बेटा हो जाए। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो पक्षपात करती है बेटा और बेटी में। बेटे और बेटी में कोई भी फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके मन में उत्सुकता होती ही है कि मेरे घर में आने वाला नन्ना मुन्ना मेहमान कौन होगा। अगर आपके मन में भी ये उत्सुकता रहती है, आप प्रेग्नेंट हैं, तो आज मैं आपको जो लक्षण बताने वाली हूँ इससे आप कुछ हद तक अनुमान लगा सकती हैं कि आपके यहाँ आने वाला नन्ना मुन्ना मेहमान कौन है। लेकिन इस वीडियो का उद्देश्य कोई गलत भावना से नहीं है, ये सिर्फ एक मन की उत्सुकता को जानने के लिए है। और ये जो लक्षण होते हैं ये पूरी तरह से सही भी नहीं निकलते हैं, कुछ हद तक सही निकलते हैं, क्योंकि हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो इन लक्षणों के माध्यम से ही कुछ हद तक अंदाजा लगा लिया करते थे कि घर पर आने वाला मेहमान कौन है। तो चलिए आप ये अंदाजा लगा सकते हैं। सबसे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर दबाइए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि गर्भवती महिला को बच्चे की हलचल का एहसास शुरुआती महीनों में ही हो जाता है तो होने वाला बच्चा बेटी होती है। यानी कि बच्चे की मूवमेंट थोड़ी बहुत भी गर्भवती महिला को 2.5 से 3.5 या महीने के बीच में समझ में आती है तो ये इशारा करता है कि आने वाला मेहमान बेटी है, क्योंकि पेट में बेटियां जल्दी ही हलचल करने लगती हैं, जबकि बेटा बहुत ही सुस्त रहता है पेट के अंदर। और इसके विपरीत अगर आपको 5वें महीने के बाद से बच्चे की हलचल होना शुरू होती है, यानी कि 5वें या 6वें महीने में आपको एहसास होता है कि पेट में बच्चे ने घूमना शुरू कर दिया है, तो ये इस ओर इशारा करता है कि होने वाला मेहमान बेटा है। 80 से लेकर 85% तक ये लक्षण सही पाया जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा सही निकलता है। ये मैं खुद पर अनुभव बता रही हूँ, बहुत से लोगों पर अजमाया हुआ अनुभव बता रही हूँ। बस आपको ध्यान भी देना है कि 2.5 से 3.5 महीने आपको जरा सी भी मूविंग समझ में आए तो आपको बेटी होगी। हालांकि कुछ हद तक गलत भी निकल जाते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक ये सही निकलते हैं। बहुत से लोग ध्यान नहीं देते हैं, जबकि थोड़ा बहुत हलचल समझ में आने लगती है, वो भी बहुत कम। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगी हो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।